नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ओमकार कटेरिया। आइए आपको दिखाते हैं जनपद कन्नौज से एक बड़ी खबर, जहां हमारे भारतीय मोदी आर्मी की याद 147वीं तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकी बहुत काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे हम आइए आपको ले चलते हैं, हम बात करेंगे जो रैली निकालेगी उसका क्या उद्देश्य है, क्या क्या जागरूकता अपनाई गई। सर, जो रैली निकाली है उसमें जो तिरंगा यात्रा, उसमें क्या क्या जागरूकता अपनाई गई? तो आप लोगों ने ज़्यादा लाया मीडिया का मतलब आवाज़। हाँ, कि आप लोगों ने पूरा दिन हमारे साथ पसीना बहाया। हाँ, हम तो फिर भी उसके ऊपर रथ के ऊपर चढ़े हुए थे, आप लोग भी पैदल भी दौड़ रहे थे। हाँ, तो आप लोगों ने हमारे साथ जागरूकता अभियान करने जो काम किया, मैं उसका भारी हूँ। लोगों को बहुत भारी जागरूकता हुई, लोगों ने जब मास्क लिए हमारे से लिया तो साथ ही साथ पेन भी लिया, और जो सैनिटाइजर दिया, सैनिटाइजर भी मैंने देखा खोल करके पाउच को वो अपने हाथ पर डाल करके चलते हुए मैंने देखे। ये साथ के साथ आत्मबंधन को आरसी का पढ़े लिखे को फांसी का, साथ ही साथ वो उसका परिणाम दिख रहा था। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि ये तो हमारी तो एक सिंबॉलिक आज की एफर्ट थी, हमने तो लोगों को एक ऐसी एफर्ट करी कि लोगों को समझ आ जाए कि हाँ ये जरूरी है। बाकी काम तो अब यहाँ के रहने वाले लोगों ने इसे निभाना है, आपने मीडिया ने जो है इसको जन जन तक पहुँचाना है, इस बात को हमारी आवाज़ को, ताकि कल कुछ दिन जब तक जनवरी तक तो ये वैक्सीन आ जाती है, हम लोग जो है इसका इसकी पालना करते हैं। सर, वैक्सीन कब तक आएगी? लेकिन उसके परीक्षण चल रहे हैं अभी, मैंने जैसे अभी में भी बताया कि हमारे हरियाणा के अनिल विज जी ने उसको अपने ऊपर जो है परवाह भी न करते हुए उन्होंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया, लेकिन उसके अभी प्रॉपर जो है रिजल्ट नहीं आए, डोज जो थी वो थी। अब दोबारा जो वैज्ञानिक जो है उसकी डोज वगैरह बढ़ाकर उसे फिर से दोबारा एक बार फिर उतारेंगे। जब तक प्रॉपर जो उसका रिजल्ट नहीं निकलता तब तक वो जनता तक नहीं आएगी, लेकिन वैक्सीन लगभग तैयार है। सर, जो आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसमें लोगों में हर तरफ खुशी दिखाई दी, लोगों ने हाथ हिला हिला करके जो है हमारा जो है अभिवादन किया, जगह जगह से कहीं जगह पुष्प वर्षा भी हुई, जैसे अभी भी हो ऐसी पुष्प वर्षा भी देखने को मिली। बहुत लोगों ने जी तोड़ अपना जो है इस यात्रा का जो स्वागत किया। सर, जो अभी आप कह रहे थे कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया, क्या क्या किया है? मोदी जी ने तो अभी जब कोविड की वजह से मोदी जी ने तो किसानों को पैसे भी भेजे, उनके खातों में पैसे सीधे सीधे, जनधन योजना, इतनी सारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, जो गैस जो है लोगों को पहले गाँव तक नहीं जाती थी, आज हर व्यक्ति को जो है गैस मिल रही है, किसानों को सब्सिडियाँ मिल रही है, लेकिन जो है उसका उस बात का जो प्रचार और प्रसार है वो सही ढंग से ना होने की वजह से किसानों को जो है राजनीतिक दल गुमराह कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सर, जब काफी योजनाओं का लाभ दिया है फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं किसान? हर एक पर जो है अधिकार है, कोई भी कर सकता है आंदोलन, वो कर रहे हैं। आप देखिएगा 2-4-5 दिन के अंदर वे इस आंदोलन को भी समाप्त कर देंगे। ये जो है ये मुक्ति तौर पे है, इसका समाधान निकल चुका है, और जो है मीटिंग्स जो उनकी चल रही हैं, राजनीतिक दल जो है वो तो मान भी जाए, लेकिन राजनीतिक दल जो है उनको मानने नहीं दे रहे, तो इसलिए जो है उस बात को जो है प्रचार प्रसार जो है वो गलत कर रहे हैं। और जो किसान जो है इस बात को समझ चुका है और समझ भी जाएगा जल्दी 8 तारीख के बाद कि कहाँ उनका कौन उनका भला कर सकता है। आइए हम आपको दिखा दें जिस चेहरे की, जो चेहरा हमारे कन्नौज में दिखाई पड़ा उसी चेहरे को हम आपको दिखा रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे हमारे चेहरा को दिखाइए, जिस चेहरा को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकी कई लोग जो हमारे कन्नौज में इस तरीके की लहर दिखाई पड़ी है उस चेहरे को दिखाइए। आइए हम उनसे बात करेंगे। सर, जो आपने यात्रा करवाई इसमें का उद्देश्य क्या है? जी, सर, कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकालेंगे? सर, अपना परिचय।